हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं नहा के तैयार, सबको जल्दी नहा लिए क्योंकि आज से बिहार में छठ पूजा स्टार्ट हो गई है। तो आज का दिन पहला है जिसमें नहा के खाना होता है, कोई भी अन्न या फिर कोई भी चीज़, तो उसे नहाए खाए बोलते हैं। तो और ये छठ के पहले दिन ये खाते हैं, नहाए खाए में पकौड़ी, चावल दाल, भुजिया, बादाम की चटनी और कद्दू का भुजिया। ये सारे बर्तन जो तीनों हैं छठ पूजा की तैयारी, आज से छठ स्टार्ट। यहाँ मंदिर में सेवा करने का रहता है, वैसे ही चले तो है, सौभाग्य तुमको प्राप्त हो रहा है। पूजा तो सब कोई कर सकता है, लेकिन जो पूजा के पहले की तैयारी उसमें हेल्प करना बड़ी बात होती है। वेरी गुड। साफ करना, बर्तन धोना, उससे बड़ी भक्ति है। मुझे अपने पत्नी पे गर्व है। नहीं, गर्व है। दी और अदरक की सफाई हो रही है। कल प्रसाद के लिए छठी जी को ये चढ़ेगा, इसी का अर्घ देंगे शाम में और सुबह में, कल एंड परसों मॉर्निंग में, कल शाम में और परसों मॉर्निंग में। तो दीप्ति ये सफाई कर रही है, कोई भी खराब पत्ता जाना नहीं चाहिए, तो वो ध्यान से देख के सफाई करके दो दो बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ धो के फिर यहाँ पे डाले जा रहा है। ये सारे इसमें ये हल्दी, अदरक, मूली, अंगूर, इसमें गागल, गन्ना, ये कच्चा केला एंड ये नींबू छोटा एंड बड़ा, यहाँ पे पान के पत्ते, यहाँ पे सिंघाड़ा। बाकी यहाँ पे पूजा वाला गैस सेट कर दिया गया है। ये साठी का चावल जिसका खीर बनेगा, यहाँ पे गुड़ को गला के रखा गया है, गुड़ से ही बनता है, इसका सादा खीर बनेगा। ये बासमती चावल दूध को उसके साथ खीर बनेगा, ये दूध। सो गाइस, खीर, ये दूध उबल रहा है और ये खीर, अभी साठी के चावल बासमती का इसी चला रहा है। खाना का ये टर्टल फ्रेंड, ये रैबिट फ्रेंड, ऐज बोलो। ये क्या है खाना? What is this? And what is this? What is this? This is turtle. नहीं, ये तो नहीं। This is your friend. Yeah. These both are your friend. ये कछुआ है, ये कछुआ का खरगोश है, ये खरगोश, ये कछुआ। और खरगोश क्या खाता है? रैबिट क्या खाता है? कैरेट। कैरेट खाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? काजल। और काना क्या खाता है? काना ने अभी क्या पिया है? दूध। और दूध से क्या होता है? दूध से बड़ा। सो गाइस, यहाँ पे सूरज भगवान को अर्घ देते हुए इस पॉइंट पे सूरज भगवान, बहुत मुश्किल से एंगल मिला के हमने दो घर के बीच में दे गए। ये अभी अर्घ देने का अभी क्या फायदा है? देने का ये फायदा है कि आप अभी छठी मैया का पहला अर्घ है, उसके बाद खरना है,
आज खरना है, आज खरना है उसके लिए जो नवज निकालेंगे। पहला अर्घ, उसके बाद खरना होता है, फिर सजिया अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है, अपारण होता है। तो अभी नवज है के लिए निकलेगा, नवज इसलिए निकलेगा कि मैया आई है अपने मायके, उनको भोग लगाया जाता है, कोई भी अतिथि आता है तो उसका भोग स्वागत होता है, इसीलिए आज अर्घ नवज काढ़ा जाता है। ओके, स्वागत में। तो भाई मम्मी सो टैलेंटेड पूजा पाठ में, दीप्ति सीख रही है, वेरी गुड, कीप इट अप, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नवज निकालेंगे, जो मम्मी अभी ऊपर बता रही थी। तो नवज निकल चुका है भगवान के लिए और मम्मी यहाँ पे दीप्ति को नाक से सिंदूर लगा रही है। यहाँ पे छठ के टाइम पे यह रिवाज है, सारी औरतें नाक से सिंदूर करती हैं, ये बिहार का रिवाज है। कान्हा यहाँ पे पूजा हो गया है, अभी हम लोग नीचे आए। तो फ्रेंड्स मेरी दोनों भगनी आशी भाई, मेरी दीदी सबसे बड़ी वरुण, एक बड़ी एक छोटी तो दीदी अपने नाम से वीडियो दिखा रही है, हालांकि ये दूसरा वीडियो दिखा रही है, जैसे भी उनके नाम इनका एक्चुअली ज़्यादा जरूरत है मुझे इनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल है, नाम बताइए। कुशांगी विश्वास, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनकी आईडी, इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब। तो माही एंड आशी, इन दोनों का आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? थोड़ा सा गुस्से में है, खाना खाने का टाइम पे, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपने देखा ही है। भैया हेलो गाइस, थोड़ा सा आज हैंडसम दिख रहे हैं। यस आशी सिर्फ हेलो हेलो करोगी। तो गाइस कुछ गेस्ट आए हैं, उनको अटेंड करने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर। बाय बाय। तो गाइस दीप्ति अभी ऊपर से काम करके आ गई है, मेरी भगनी स्कूटर कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, ये सबका मजाक उड़ा रही हैं। अभी इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए आएंगे, कल ये लोग फिर से आएंगे, कल सामोला घाट है हमारा, है ना, अर्घ दे रहे हैं हम लोग कल। तो आज का खरना कंप्लीट, डिनर हो चुका है हमारी भगनियों का, मामा जी का भी हुआ नहीं है, मामी का हुआ नहीं है। दीप्ति कैसा लग रहा है? बहुत सारी थकान, बट वर्क लोड भी है, एक काम निपटाए अभी दूसरे काम का इंतजार कर रहे हैं, कोई खाना दे देगा तो खा लेंगे, उसके बाद फिर बर्तन के काम में निपटाएंगे। छठ पूजा किसी एक इंसान का काम नहीं है, पूरे घर को लगना होता है, काफी काम होते हैं और काफी सफाई से काम करना होता है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी भूल चूक हुआ तो उसके लिए दंड भी मिलता है और तुरंत मिलता है। इट्स नॉट ए इजी वर्क या फेस्टिवल होली फेस्टिवल। तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध छठ पूजा, कल सामोला अर्घ है, कल अर्घ देंगे हम लोग, तो कैसे क्या रहता है, कब मिलते हैं आपसे, बने रहिए है।